हेलो एवरीवन, टुडे आई एम शेयरिंग द स्पेशल वीडियो। और ये मैं जो हूँ, मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर मतलब जिससे केक नहीं भी बनता वो भी आसानी से बना लेगा, बिल्कुल आसानी से। और अगर आपके घर ओवन नहीं है कोई बात नहीं, पतीला नहीं है बड़ा, मोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ के मैं आप लोगों को कुकर में बनाना सिखाऊंगी। और ये बिल्कुल इतना कोई यमी बनता है, इतना कोई फ्लेवरफुल ना बहुत ज़्यादा मीठा, अगर मतलब किसी के दिल तक पहुंचना हो तो वी कैन यूज़ दिस रेसिपी। और जी बस ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आप देख लें अंदर से कितना मॉइस्ट है, सॉस बनाना भी सिखाऊंगी और सब कुछ बनाऊंगी विदाउट ओवन विदाउट मोल्ड। अच्छा स्टार्ट करते हैं, ये रेसिपी सामने मेंशन है। हमने एक कप मैदा लिया है, दो कप मैदा ली है, इस तरह का कप लूँगे, घर का कोई भी कप ले लो, एक कप ले लो कोई, और इसी से सारी मेजरमेंट्स कर लो। ये मैंने मेंशन कर दी थी आप लोग, तो आप लोग देख लो, फिर भी मैं बता देती हूँ। दो कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर और वनीला एसेंस, दो अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, दो अंडे, एक कप दूध, और आगे ऑयल भी मैंने मेंशन करना था जो कि मैं भूल गई, तो वो मैंने मुझे फिर बाद में याद आया, मैं आप लोगों को आके दिखा दूँगी। ये जी हमने एक कप डाला और एक और कप मैं डालती हूँ उसमें। पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, फिर मैंने कोको पाउडर भी डाल दिया और जो है बेकिंग सोडा। टी मैं पीछे मेंशन कर सकती हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। और अब जी हमने इसको लगाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई बीटर शीटर की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने कांटा पकड़ो या चम्मच पकड़ो कोई भी, उससे बीट कर लो। और जी उसके बाद ये कॉइल मैं आपको कह रही थी ना, मैं भूल गई हूँ, वो मैं मेंशन कर दिया। और जी अब एक कप ही ऑयल लेना, सबकी मेजरमेंट मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया है। अच्छा जी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके अंदर ऐड करने हैं जी ऑयल, वन कप ऑयल, उसी एक कप ले लो और उसी के साथ सारी मेजरमेंट कर लो। और इसको हमने अच्छे से मिक्स आउट करना है, कि मिक्स आउट करने के बाद, और उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर जी क्या है, मिल्क डालना है, वन कप ही है मिल्क भी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। अंडे हमने अभी नहीं डालने हैं, रूम टेम्परेचर पर मिल्क भी होना चाहिए, सब रूम टेम्परेचर पर होता है होना चाहिए। अगर आपको मिल्क थोड़ा सा मतलब आपका थिक लगे, यहाँ पे जैसे मेरा थिक था तो मैंने थोड़ा सा और जो इसमें मिल्क ऐड कर लेना, राम राम से ऐड करना, पूरा हाफ कप और नहीं डाल देना, हाफ कप मुझे और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ऐसा करके देना। अब देखो कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी से हो गई है। अब जी हम लोगों ने बस ये हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल आसान सा घर की रेसिपी है और बहुत यम्मी बनता है। अब जी हमने ये लेने हैं दो अंडे रूम टेम्परेचर पे, अगर फ्रिज में है तो 10 मिनट पहले निकाल के रख दो। एक अंडा डाला, दूसरा अंडा को तोड़ने की प्रोफेशनल कोशिश करी थी लेकिन नहीं हुआ, सो मैंने फिर बैक कैमरा तोड़ के दिखाया। अब जी हमने आखिर में अंडे वगैरह को मिक्स करना है, बस जी हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है और इसको फिर हमने, अच्छा जी ये अंडे जी अब हमने बीट करने हैं इसके अंदर, अच्छे से हम लोगों ने इसको बीट करना है, मिक्स करना है। और जी बस 5 मिनट घड़ी के देख लेना, और 5 से 7 मिनट हम लोगों ने अच्छे से इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद जी जब तक 7 मिनट नहीं कंप्लीट होते हमने कंटिन्यूसली मिक्स करने रहना है। और फिर उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, फिर हमने मिक्स करके इसको साइड पर कर देना है। अब हमने लेना है जी कुकर, क्योंकि हमारे पास मोल्ड नहीं है तो हमने लेना है कुकर। कुकर को अच्छे तरीके से धो लेना है, प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से धो लेना है। और हमने ली है बटर शीट, बटर शीट इसमें ज़रूरी है क्योंकि हम मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बिल्कुल एक्यूरेट गोल नहीं काटना। आप लोगों ने इस तरह, मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह काटना है। पहले मैंने कुकर के अंदर जो है ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जी हम लोगों ने लेनी है जो बटर शीट, उसको बिल्कुल एक्यूरेट गोल शेप में नहीं काटना क्योंकि साइड से लग सकता है आप लोगों का केक, तो इसलिए हम लोगों ने लेना है बटर शीट। और इसको मैंने बिल्कुल काटा नहीं है और इस तरह ऊपर तक फैला दिया अच्छे से। अभी मैं इसको सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह हम लोगों ने इसको लगानी है। और जी ये हो गई तकरीबन सेट, अभी ये देखें ये हो गई तकरीबन सेट। और इसी तरह आप लोगों ने भी ग्रीस करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्ट चूल्हे पर ही रखेंगे और इसलिए ये जल ना जाए। अब जी हमने इसको दोबारा से एक बार मिक्स करके इसको हमने डाल देना है कुकर के अंदर सारे को। अच्छा जी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि फिर उसके बाद हमने इसको करना है टैप टैप, इस तरह मैं उठा के कुकर को हल्का हल्का ऐसे टैप टैप किया ताकि जो भी बबल्स या एयर शामिल हो चुकी है मिक्सचर में वो निकल जाए। अच्छा जी फिर उसके बाद एक और हमने क्या करना है, ये कुकर का ढक्कन लेना, ये इसकी रबड़ निकाल लेनी है हम लोगों ने और इसको हमने जी इसके ऊपर ढक देना है। अब जी हमने बगैर, ये जो टिप है ये बहुत अच्छी टिप है, लोगों के केक नीचे से जल जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो टिप बताऊंगी ये हमने रखा है मीडियम फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। अभी दम वाली फ्लेम नहीं है, ये मीडियम फ्लेम पे हमने 5 मिनट के रखा है बंद करके कुकर को। अब जी हमने रख दिया तवा और इसकी हीट को हमने कर देना है दम से हल्की सी ज़्यादा, क्योंकि हमने तवा रखा है इसको बनने में टाइम लगेगा। अगर आपका कुकर का तलवा थोड़ा सा मोटा है तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखें जी बिल्कुल अच्छे से ये बेक हो गया है,
जो है मेरी नाइफ जो है बिल्कुल ये हम हुआ था एक घंटे में, क्योंकि हम लोग का तलवा जो है कुकर का तलवा जो है नीचे से पतला है, तो हम लोगों ने तवा रख के बिल्कुल दम वाली हीट पे किया था ताकि जले ना। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी कि कितना है, लेकिन इसको 5 मिनट पकने के बाद इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है बंद करके। अब ये थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको ये देखें, मैं निकालने की एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से जो है मोबाइल, और अब मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो है आप लोग देख लें कितना अच्छे से कितना सॉफ्ट है। अगर आप लोगों को एजेस काटनी है तो आप लोग इसकी काट सकते हैं, जो साइड वाली चीज़ होती है वो लोग काट लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है सो मैंने थोड़ी थोड़ी काटी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे मैं नॉर्मली काटती नहीं, ये देखें पीछे से बिल्कुल भी जला नहीं है, ज़रा भी नहीं जला, एक घंटे में तैयार हुआ है। तो वैसे नॉर्मल केक फुट। अब जी सॉस तैयार करते हैं इसकी। इसके लिए हमने लेना है जी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून लिया है, और इसमें हम लेंगे आगे 1/2 कप मैंने पहले डाला था लेकिन 1/2 कप से ज़्यादा लग गया था, तो 1 कप मैंने डाला है वही जिससे केक मैंने मेजरमेंट की थी केक की, और 2 टेबल स्पून हमने डाली है चीनी, और इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद हमने रखना है चूल्हे पर थिक होने के लिए। अच्छा जी बिल्कुल लाइट और इसके अंदर बिल्कुल हल्के हल्के फ्लेम पे रखना है, और ये अच्छे से हो रहा है मिक्स। जैसे ये थिक हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो हमने इसके अंदर डाल दें मिल्क पाउडर, इसके अंदर डाल देना है, फिर उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करते करते ये आप लोगों को मैं बगैर लाइट के भी दिखा रही थी। और जी बटर अगर आप लोगों के पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर है तो डाल दें, इससे एक क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है। और जी बस ये हमने थोड़ा सा डाल दिया बटर, 1 टेबल स्पून हम लोगों ने बटर डाल दिया। ये आप लोगों की सॉस तैयार होगी, थिक होना ज़रूरी है, अगर पतली होगी तो आपके केक से गिर जाएगी ऊपर से। सो अच्छा जी ये थिक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नाओ ये होगी अच्छे से थिक, अभी ये हम चूल्हा बंद करेंगे तो देखें और ज़्यादा थिक होगी। अब हमने इसको लगाना है जी केक के ऊपर, केक हमारा ठंडा हो गया था, इसके मैंने साइड से काट ली है ताकि और नीट एंड क्लीन लुक आए, और हमने जो केक काटी थी साइड से थोड़ा सा केक, तो उसी को हमने ऊपर जो है डाल देना है ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए। ये बहुत इजी एंड बहुत यमी एंड बहुत सॉफ्ट केक बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।